बीसीपीपी केंद्रीय विद्यालय का 17वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिससे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गुंजन गुप्ता ने उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के लिए बीसीपीपी केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन की सराहना की। बीसीपीपी में आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गुंजन गुप्ता थे। बालको के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री जितेंद्र धीर और बालको के प्रशासन एवं संयंत्र एक के मानव संसाधन प्रमुख श्री रंजन शरण विशेष अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। स्कूल के प्राचार्य श्री एस के अग्रवाल और छात्र छात्राओं ने अतिथियों की अगवानी की। अतिथियों ने देवी सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जगमग ज्योति बिखराओ अंतर स्कूल प्रबंधन ने अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छों से किया। बीसीपीपी के वार्षिक उत्सव के मौके पर श्री गुप्ता ने शैक्षणिक और पाठ्य सहगामी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए। प्रकाश मुखर्जी क्लास वन सब जूनियर ग्रुप हिंदी रेजिडेशन सुभाष हाउस फोर जूनियर ड्राइंग कॉम्पिटिशन रमन हाउस फोर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। इस मौके पर बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गुप्ता ने कहा, जो माता पिता यहाँ आए हैं और जो प्यारे बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, कि यह अपने आप में एक आने वाले समय का छोटा सा ट्रेलर, छोटा सा अंश है जो हमें बता रहा है कि यहाँ के बच्चे आगे बढ़कर न केवल इस क्षेत्र का, न केवल अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का, बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन करने की क्षमता रखते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे चल के वे ऐसा करें। बच्चे तो हम सभी जानते हैं देश का भविष्य है, देश का भविष्य होते हैं, और विद्यालय एक ऐसे भव्य मंदिर होते हैं जहां इस भविष्य को तराश कर बनाने का कार्य निरंतर चलता रहता है। देश का भविष्य, देशवासियों की सोच का भविष्य, आर्थिक प्रगति की ओर चलने का संकल्प, देश के संकल्प का भविष्य, यह सब ये पाठशाला, ये विद्यालय इसी कार्य में अपने आप को तल्लीन करे रहते हैं और देश की प्रगति की ओर इन बच्चों को इस देश का ऐसा अभिन्न अंग बनाने की ओर मेहनत करते रहते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। इस वजह से शिक्षा संस्थानों का देश निर्माण में जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ आकर आप सब लोगों से मिलकर इन बच्चों को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि केंद्रीय विद्यालय बीसीपीपी कोरबा अपने इस उत्तरदायित्व को, इस जिम्मेदारी को भलीभांति निभा रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी ऑलराउंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के शिक्षकगण और प्रधान रूप से प्रधानाचार्य साहब को बधाई देना चाहता हूँ। बालको किसी न किसी तरीके से, चाहे आप उसको आर्थिक सहयोग समझें, निरंतर आर्थिक विकास की ओर बालकों के बढ़ते कदम समझें, जिससे कि रोजगार के नए नए साधन मुहैया हो रहे हैं, रोज पर रोज नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पैदा हो रही है, या फिर आप इसे प्रबंधिक सहयोग समझें, किसी न किसी रूप से इस प्रयास में केंद्रीय विद्यालय बीसीपीपी कोरबा की सहायता करता रहा है और आगे करता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी इस अथक परिश्रम, बच्चों की लगन और मेहनत और ईश्वर की अपरंपार कृपा से जिस पथ पर आप चल रहे हैं, जिस पथ पर यह स्कूल अग्रसर हो रहा है, उस पथ पर, उस प्रगति के पथ पर और तीव्रता से आगे बढ़ें,
और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। बीसीपी केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य श्री एस के अग्रवाल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वार्षिक उत्सव के मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। दर्शकों ने कार्यक्रमों का भरपूर आनंद उठाया। पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई hey! देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। Oh,